नमस्कार रिपोर्टर स्टूडियो को स्वागत करुच्ची मु चिन्मयी। पौर निर्वाचन टेक्निक खबर आम आपको जनइबु। पौर निर्वाचन चली मतदान निजर मतदान सब्यस्त करुछंती हेवीवेट नेता एवं जनता। तीनोटी महानगर निगम 106 पौर परिषद निर्वाचन एवं चली। सकाळ 8:00 भोट ग्रहण आरंभ हो संध्या 5:00 पर्यंत चलो। 47 म्युनिसिपालिटी और 68 एनएससी भोट पड़ुछि। सेबडे गणतंत्र महापर्व में सामिल होइछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निवास चली चली भोट देइछंती। एथिपई भोट केन्द्र कड़ा सुरक्षा प्रदान करा। तेब आम सहित अधिक सूचना देवाई आम सहित जलेश्वर जोड़ी होती अजित। हेलो अजित। केवल रही 17 वार्ड तो जलेश्वर एक जदिओ पुराणा शहर तेज 17 वार्ड रही जो भोटर संख्या रही 20,059 भोटर आज मूल्यवान मतदान करेंगे। आई प्रार्थी जो रही कह जलेश्वर जो चेयरमैन जो पराध्यक्ष पदवी पाई 4 जन रही प्रार्थी एवं 55 जन रही काउनसिलर। तो एथिपाई मोट 17 वार्ड रे 24 गोटी आपणकर जो मतदान केन्द्र कराई बूथ कराई से तीनोटी रही पिंक एवं आदर्श बूथ मध्य रही संवेदनशील बूथ जदि कथा कह 8 संवेदनशील बूथ रही प्रशासन पक्षर कड़ा व्यवस्था ग्रहण कराई। तबे एबे आमे जो रही जलेश्वर जो रही 17 और 18 नंबर जो आदर्श बूथ आमे सेटा रही एठाकर स्थिति यदि कहो कारण एबे दिन अजित अजित हम गोटे अजित अजित आपण गोटे पछैबो सेठ किछि राजनीतिक हिंसा किछि देखा दै छि कि ना बर्तमान सुधा पूरा स्वाभाविक रही खूब सुरखुर मतदान चलि कौन से राजनैतिक हिंसा देखा जाए ना। मात्र जदि गत काल कथा कह गत काल कौन से राजनैतिक मुद्दा को नहीं आक्रमण होता तेज तहार बर्तमान कौन से प्रभाव पड़ना बर्तमान सुधा सुरखुर मतदान चलती पुलिस घटना को गुरुत्व सहकार सजग रही। वोटिंग बूथ किपर सुरक्षा करा भोटिंग कथा कह जलेश्वर एक छोट सहर तेज जो सहर निकटवर्ती सहर रास्ता पार्श्वर जो जो सेन्टर गुड़िक रही जो मतदान केन्द्र गुड़ रही निश्चित से ही सब जगार किसी मात्र ट्राफिक समस्या देखा जाता तेज से सब सामान्य मध्य ताको जत्न सहकार देखुं कड़ा सुरक्षा भितर रही जदि कह जलेश्वर आईआईसी जलेश्वर जी एसडीपीओ रही म्युनिसिपालिटी अधिकारी बीडीओ तहसीलदार समस्ते निज निजर दायित्व सुचारू रूप तुलाउं पेट्रोलिंग करुँचु भोट दबा उत्साहित अच्छा भोटर अजित निश्चित भाव जी जेहेतु सहरी अंचल भोट कहराल भोटर मैंने साधारण तो ग्रामांचल भोटर टी अधिक सचेतन रही था सामने कौन तर मौलिक अधिकार से मतदान मूल्यबोध को बेस गुरुत्व सहकार बुझी था। तेज आउ गोटे सब बड़ कथ हूँ जेहेतु 8.5 वर्ष पर मतदान हो तो से बेस जत्नवान रही कारण 2013 शेष थर पर पौरांचल सहरांचल मतदान होता तेरे पुणी आज 8.5 वर्ष पर आज तांको पाखुर सही सुविधा सुजुक फेरिछि सही तांको अधिकार साबित करै। अच्छा अजित दिन 11टा सुधा सेठी केते प्रतिशत वोटिंग हेलाणी 11टा सुधा वर्तमान सुधा यदि कहजियो वर्तमान सुधा सठिक भाबे आमे जहा पूर्वम नैतिलु सत 35% हेतिला किंतु वर्तमान सठिक आम पाखरे सठिक तथ्य रही नै किंतु दिन 11 सुधा आम पाखरे 35% रहितला तथ्य। तबे ईवीएम रे समस्या नै किछि खबर रहिछि कि आपन पाखरे ईवीएम नहीं कि कौन से समस्या बर्तमान सामना को आसी ना। तेज सहरांचल जो भोटर मैंने रही मुझे गोटे कथा कही रखी जो चलित थर पौरांचल प्रथम थर पर राज्य सरकार निर्वाचन कमिशनर ईवीएम मेसीन सुविधा सुजोग जो थे कि नोटा रुजोग रही जो ठीक प्रार्थी मैंने जो भोटर मान रही मन पसंद रोट दे पारे जदि कहीं पसंद न था नोटा को सदुपयोग करें। आपण सेठी किछ अधिक सूचना देबा पई हम सहित किछ कि सेबड़ प्रार्थी माने कि अछन कि कथा कहि परिबे कि हम सहित देखो आमे त जदि अपन सही कथा कह जइबो वर्तमान एठाकार जदि स्थिति देखा जइबो कारण एबे जो आमे रहिचो एठाकार जो बूथ नंबर 18 मोर सहयोग कहिबि ए हुचे एठाकार बूथ नंबर 18 एठाकार शांति श्रृंखला भाबे मतदान चली जे ए हुचे एठाकार हॉल भितर दृश्य अपन देखुतबे ए हुचे एक आपणकर आदर्श केन्द्र जो कर एजेंट मैंने बस अधिकारी जो मैंने रही से निज निज दायित्व सुचारू रूपे तुलाउं जदि कह बर्तमान जेहेतु खरा मुंड आसाणी गरम असह्य गरम हो तेणु
बर्तमान निश्चित भाव जो भोटर मान रहा कथा निश्चित भाव संख्या कमी जाइए कारण से बोध हुए पुणी खरा गढ़ला पर से निश्चित भाव आसबे तेणु आम भोटर को मतामत जदि नहीं पारना तेज गोटे कथा कहीपरू बर्तमान जदि भोटर मान कथा कह दिन एगार पर्यंत बेस गहली जनगहलीपूर्ण रही था तेज एगार पर धीरे धीरे एटी मतदान करने जो संख्या ह्रास पाई कारण बीजेडी बीजेपी भितर अधिक निकटतर अल्प व्यवधान रहिबो कांग्रेस दौड़े रहुछि किंतु कांग्रेस तृतीय स्थान रहिबो तबे आम सहित अधिक आलोचना करथले जलेश्वर प्रतिनिधि अजित तबे आम सहित आहुरी अधिक कथापाई आम सहित रहिबे आमर सहयोगी तबे भोट देइछंती 5T सचिव भिके पांड्यान जणे सचेतन नागरिक भाबे लंबा धाडे छिडा होई गणतंत्र महापर्व रे से शामिल होइछंती तांको पत्नी मध्य सुजाता कार्तिके मध्य निजर मतदान साब्यस्त करछंती अनेपटे भुवनेश्वर सांसद अनेपटे भुवनेश्वर मेयर प्रार्थिनी सुलोचना दास मध्य भोट देइछंती से कहिछंती साधारण नागरिक परी मु निजर मतदान साब्यस्त करिछि से यहा मध्य कहिछंती प्रत्येक व्यक्ति भोट देबा आवश्यक से यहा से भी लोकमानकु अनुरोध करिछंती समस्ते भोट दियंतु से जणे नागरिक हिसाबरे भोट दे कहिछंती सबरे बीजेपी रो मेयर प्रार्थिनी सुनीत मुंड एवं कांग्रेस रो मधुस्मिता आचार्य भोट देइछंती भुवनेश्वर 67 वार्ड पई 705 टी बूथ होईछि मालकानगिरी पौर परिषद दुर्गागुड़ी साहि रे ईवीएम अचल होई पड़छि जेउति पई मतदान रे बाधा सृष्टि होईथला एमते अनेक स्थान रे मतदान पई बाधा सृष्टि होईछि ईवीएम कारण रो शहर रो जनता आज निजर मतदान साब्यस्त करछंती जहा एठी हमर खबर रहिछि शहर रो जनता निजर आज मतदान साब्यस्त करछंती एपर्यंत सकाळ सुधा प्रतिशत एपर्यंत मतदान 32% रहिछि नहीं सूचना देखते एसएससी आम सहित अधिक आलोचना करुले आम अजित जलेश्वर प्रतिनिधि अजित ये शेष करम सहित आपन को अधिक पौर निर्वाचन टेक्निक खबर देवे आम सहयोगी क्वेश्चन आम सहित अधिक सूचना देवा पई आम सहित जलेश्वर प्रतिनिधि अजित अछंती अजित सेठाकर माहौल एबे किपरि अछि देखो एठाकर स्थिति यदि कहो बर्तमान निश्चित भाव भोटर मैंने बेस उत्साहित रही से सका 8 सुधा आम जहाँ देखुल निज निज बूथ पहुंची लंबा धाड़ी थे तेज जमी खरा मुंड आसी ताति बढ़ी धीरे धीरे क्रमश पतला निश्चित भाव एक प्रकार सुनसान खा खा देखा तेज आम जो रही चुके आदर्श बूथ केन्द्र कथा मुझे ये हूँ से जलेश्वर र नुआबजार हाईस्कल सहित जो आदर्श बूथ केन्द्र तो तबे आम सहित अधिक सूचना देव पई दिव्य अछंती तबे सेटाकर दिव्य सेटी केटा परिस्थिति की परि अछि अच्छे मो लाइन रे अच्छे सेठाकर सेठी पुलिस रे पक्ष रे की पदक्षेप ने जाय छ सेठार किछि राजनीतिक हिंसा देखा देउ छ कि दिव्य
ଭୋଟିଂ ବୁଥ ରେ କେମିତି ଏବେ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି କରାଯାଇଛି? ହ୍ୟାଲୋ ଦିବ୍ୟ, ସେଠାରେ କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଦିବ୍ୟ, ସେଠାରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟର? ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ସେଠାକାର କିଛି କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା କି କିଛି ଦେଖାଦେଇଛି କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଭିଏମ୍ ରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ନେଇ କିଛି ଖବର ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱରର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଅଜିତ। ଅଜିତ, ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଏଠି ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ଯଦି ଏଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି କଥା କୁହାଯିବ, ନିଜେ ଏସଡିପିଓ ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱରର ତହସିଲଦାର, ଜଳେଶ୍ୱର ବିଡିଓ, ଜଳେଶ୍ୱର ଯିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଖାସ କରି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ ବୁଥ ରହିଛି, ସେହି ସବୁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ ବୁଥ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଯଦି ଅଧିକ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବୁଥ କହିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୁଥ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଣି ପିଇବାର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା। ଅଜିତ, ଆମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଭୋଟ ଦେବାକୁ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସାଢେ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ତାଙ୍କର ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ବୁଥ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଠିକି ଉଭୟ ମହିଳା, ପୁରୁଷ, ବୟସ୍କ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭୋଟର, ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବେଶ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଜି ଯଦି କୁହାଯିବ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପର୍ବ, ସେମାନେ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ, ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ମନେ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତ୍ର ଅଜିତ, ଭୋଟିଂ ବେଳେ ବୁଥରେ କେମିତି ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ ବେଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କୁହାଯିବ, ପୋଲିସର କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ରହିଛୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବୁଥ, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଆଦର୍ଶ ବୁଥରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପିଙ୍କ କଲରରେ ବେଲୁନ ସଜାଯାଇଛି, ଏଠାକାର ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ପିଙ୍କ କଲରର ମଧ୍ୟ ଏଠି ବ୍ୟାନର, ପିଙ୍କ କଲର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସବୁ କିଛି ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଯାହାକି ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋର ସହଯୋଗୀ କହିବି, ଜଣେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି, ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି କୁହାଯିବ, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ବେଶ ସଜାଗ ରହିଛି। ତେବେ ଅଜିତ, ଖରାଦିନ ପାଇଁ ସେଠି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କି? ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ରହିଛି କି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖରାଦିନ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଟା ଆଦର୍ଶ ବୁଥ ରହିଛି, ଖରାଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଆସିଲେ ଲାଇନରେ ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଖାସ କରି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବା ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନଥିବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଠୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ ହେଉଛି? ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଜଳେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି। ସେପଟେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତଦାନ। ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବେ ସେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜିତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁଲୋଚନା ଦାସ ମଧ୍ୟ
मत सब्यस्त कर साधारण नागरिक से निजर मतदान सब्यस्त करने को अनुरोध कर प्रत्येक व्यक्ति भोट देवाई बाध्यतामूलक से कहते से जड़े नागरिक हिसाब से भोट देवाक आसपटे बीजेपी मेयर प्रार्थी सुनीत मुंड और कंग्रेस मधुस्मिता आचार्य भोट भुवनेश्वर 67 वार्ड पर 705 बूथ हो मलकानगि पौरपरिषद दुर्गागुड़ी साहे इभीएम अचल होता 7 नंबर वार्डर बूथ नंबर 8 इभीएम समस्या देखादेवर मतदान दे पार नथिले लोके धाड़ी लंबा लाइन में लोके छिड़ा होकर निज मतदान देवाक अपेक्षा कर रही थे भुवनेश्वर से हीपरी भुवनेश्वर से देखा बीएमसी देखा जाता अचल इभीएम अचल देखा जाता यह अनेक खबर पर निर्वाचन टेक्निक खबर देवाई आम सहित आम सहयोगी जोड़ी हे एटी रखुचु नमस्कार।